नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है इस क्लास के माध्यम से आज पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन ज्ञात करना। ये आंशिक भिन्न होता क्या है? पहले तो भिन्न को, दिए गए भिन्न को आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पहले आंशिक भिन्नों को में कैसे हम तोड़ते हैं दिए गए भिन्न को, ये आंशिक भिन्न होता क्या है, इसके विषय में पहले आप सभी लोग समझ लीजिए, ठीक है। आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न में बदलना, देखिए क्या होता है आंशिक भिन्न, समझिए पहले। जैसे मान लेते हैं कि यदि लिखा गया हो 1/5, ठीक है, और ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ऐसे लिखा है, क्लियर। अब जरा समझिए, ये जैसे इसका अगर इसमें हम गुणा करते तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है ना, नीचे एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर, फिर 3x और 2x, तो प्लस 5x प्लस 6, प्लस 5x प्लस 6, तो इसका हमने गुणनखंड कर दिया तो ये और ये आ गया, 1/5 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इस भिन्न को दो पार्शियल भिन्नों में, दो आंशिक भिन्नों में तोड़ दें तो वही आंशिक भिन्न कहलाता है। अर्थात अगर इसको हम तोड़ें तो अब या तो हम इसी तरह कर लें, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो 1/5 चाहिए हमें, यहाँ पे 1 चाहिए, तो अगर 1 चाहिए तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 1/5, ध्यान समझिए कि 1/5 अगर हम यहाँ पर लिख दें कि एक्स प्लस 2 और यहाँ पे लिख दें माइनस, ठीक है, और 1/x+3, तो देखिए जरा कि ये आ जाएगा यहाँ पर, तो x+3 होगा और -x -2/x+2 × x+3, देखिए यहाँ पर x x कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 बटा गया इतना, इसका मतलब ये, यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया कि इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन ये तो आसान था तो हमने तो देख कर लिख दिया, परंतु ये लिखने का तरीका कैसे आपको पता चले, कठिन होगा तो कैसे हम लिखते, अगर मान लेते कुछ और होता तो एक और होता तो उसको कैसे लिखा जाता, तो इसके लिए समझिए यहाँ पर पहले आप क्या करते हैं कि हमें नहीं पता है कि 1/5 आएगा कितना आएगा, तो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a आएगा, तो a/x+2, फिर प्लस b/x+3, अगर एक और गुणनखंड होता तो c/x+ जो और होता तो d/ कर देते, जितने होगा उतना कर दिया जाता है, क्लियर है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया यहाँ पर, तो देखिए a और x+3 और यहाँ पर आ गया b, तो x+2/x+2 × x+3, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे कि ये 1/x+2 × x+3, अब देखिए ये और ये तो सेम है तो कट जाएगा, तो 1 बराबर ये लिखेंगे, अर्थात हम लिखेंगे 1 बराबर a और यहाँ पर लिखेंगे x+3 और b x+2, ठीक है। चलिए अब अगर हम इसमें देखें कि इसमें जो है इसको सॉल्व करके और a और b का मान निकालें, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए सॉल्व करने का तरीका। पहली बात तो ये है कि हम इसको सॉल्व कर लें कि यहाँ पर गुणा कर दें, तो गुणा कर दें इसका, तो ए एक्स और ये बी एक्स, तो ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पर एक्स, अब यहाँ 3a+3a और यहाँ पर +2b और यहाँ पर 1, देखिए यहाँ पर ये चीज है और ये अचर पद है और ये एक्स का, तो इसमें तो एक्स का गुणांक नहीं, तो 0 × x लिख दें और दोनों तरफ के गुणांकों का तुलना कर दिया जाए, दोनों तरफ, समझिए दोनों तरफ के गुणांकों का तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो अगर हम दोनों तरफ के गुणांकों का तुलना करेंगे तो a+b = यहाँ पर क्या है 0, तो a+b = 0 और यहाँ देखिए ये इतना है और यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब लिखेंगे 3a+2b = 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें a+b = 0 है,
तो b बराबर माइनस ए हो जाएगा, यहाँ से b बराबर हो जाएगा माइनस ए, वही यहाँ रख दें तो 3a प्लस 2 b की जगह पर माइनस ए बराबर 1, यानी 3a माइनस 2a बराबर 1, तो a बराबर माइनस 1, a का मान कितना आ गया माइनस 1, ठीक है सॉरी a बराबर हो गया 1, a बराबर क्या आ गया 1, तो a का मान 1 आ गया, तो जब a का मान 1 आ गया तो b बराबर माइनस a है तो b बराबर माइनस 1 हो जाएगा। तो b बराबर माइनस 1 हो जाएगा, a बराबर 1 b बराबर माइनस 1, जब a और b का मान पता हो गया तो a और b का मान यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा क्या 1 अपान x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर, a के स्थान पर 1 है तो 1 अपान x प्लस 2 और फिर प्लस यहाँ b की जगह पर माइनस 1 अपान x प्लस 3, यानी 1 अपान x प्लस 2 और माइनस 1 अपान x प्लस 3। अब देखिए ये इतना आ गया, क्लियर। तो ये आंशिक भिन्न में तोड़ लिया गया। अब जब ये आंशिक भिन्न में तोड़ लिया गया तो अब अगर इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना होता तो 1 अपान x प्लस 2 dx। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 2 को जो है पुट करेंगे x प्लस 2 को t, तो dx बराबर dt, यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन टी डी टी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस सी अर्थात लॉग ऑफ एक्स प्लस 2। तो ऐसे अब जैसे इस तरह का आ गया तो इसका इंटीग्रेशन हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसका इंटीग्रेशन तो अभी ज्ञात करना नहीं है, अभी तो हम आपको बता रहे हैं कैसे आंशिक भिन्न में तोड़ा जाता है, ठीक है। जब ये इस प्रकार का होगा कि ऊपर है कोई भी चर राशि अचर पद है, अचर पद 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो अपान इतना लिखा गया हो, तो इसके लिए ये तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीका और है, एक ये भी है कि यहाँ पर जैसे हमने कहा कि गुणा कर दें a का और इसमें b का, फिर x को एक जगह कर दें, गुणांक को कॉमन लेके x कॉमन ले लें और फिर अचर पद को अलग कर दें और फिर दोनों तरफ से हमने तुलना कर दिया। दूसरा आपका रास्ता यहीं से एक और है, यहाँ से अगर हम सेकेंड मेथड देखें, सेकेंड तरीका, दूसरा तरीका, जरा समझ लीजिए अच्छी तरह से, आसान है, तो हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे आगे चलेंगे तो, और दूसरा भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 बराबर है क्या कि a और x प्लस 3 और यहाँ प्लस b और x प्लस 2। देखिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक को जीरो करेंगे, या तो इसको जीरो कर दें या तो इसको जीरो कर दें, ठीक है। अगर हम इसको जीरो करेंगे तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, यानी x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, यानी माइनस 2, x का मान माइनस 2 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, इसमें 2 रख दें x बराबर माइनस 2 तो a, तो यहाँ पर माइनस 2 प्लस 3 यहाँ 1, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 1 आ गया तो a बराबर 1, तो a का मान आ गया, क्लियर। अब इसमें रख दें तो x प्लस 3, अब लिखेंगे कि x प्लस 3 यानी x बराबर माइनस 3 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो गया तो ये 1 बराबर ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर रखेंगे तो b माइनस माइनस 3 और प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस b, माइनस आएगा ना, ये माइनस 3 में से 2 जाएगा, माइनस b बराबर 1, तो b बराबर हो जाएगा क्या माइनस 1, तो b बराबर आ गया माइनस 1 और a बराबर 1, तो वही आ जाएगा, यानी आ गया यहाँ से, देखिए b बराबर माइनस 1 आया, a बराबर 1, तो यहाँ से आ गया। तो चाहे तो आप ab का मान यहाँ से निकाल लीजिए या फिर यहाँ से निकालिए सॉल्व करके, गुणांकों का तुलना करके, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक रास्ता आप चयन करके आसानी से a और b का मान आप निकाल सकते हैं, और जैसे ही a और b का मान आया उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो जरा लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए, पहला नंबर है एग्जाम का। और याद रखिएगा कि ये ऊपर अचर पद और नीचे इस तरह का अगर होगा fx फलन होगा तो गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड करने के बाद सोल्यूशन करते हैं। और गुणनखंड में याद रहे, गुणनखंड में ये एक घात का पद होना चाहिए, एक घातीय पद होना चाहिए, दो घातीय पद नहीं, एक घातीय पद होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए इसे,
हो गया। चलिए हो गया। अब चलिए अभी हम लोग केवल आंशिक भिन्न पहले सीखने, कैसे भिन्नों में हम लोग तोड़ेंगे, उसके बाद तो इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर ये इस प्रकार का हो जाता कि यहां देखिए 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर या 1 अपान x माइनस 1 का होल क्यूब या 1 अपान x माइनस 1 या +1 या +3 to the power 4 ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो जब इस रूप का होगा तो इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ा जाता है तो उसके विषय में जरा समझिए। हालांकि अगर इस रूप में दिया हो तो इसका तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर ही लेंगे, अगर ये दिया है तो इसी को आप मान लेंगे x+3 = t, तो dx = dt, तो dx dt हो गया, तो 1 अपान यहाँ पर क्या लिखेंगे t to the power 4 dt, दिस इम्प्लाइज यहाँ पर लिखेंगे t to the power -4 dt, और यहाँ पे आप क्या करेंगे t to the power -4 + 1, तो नीचे भी -4 + 1 और +c, तो ये तो इसी तरह कर लेंगे, ऐसे तो करने की आवश्यकता है ही नहीं। पर अगर सपोज दैट ऐसा हो कि यहाँ पर ये इस रूप में है तो इसको आंशिक भिन्न में अगर हमें तोड़ना पड़े, ठीक है, तो कैसे हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा। जैसे मान लेते हैं कि यही आ जाए इस तरह x+2 और ये x+1 का होल स्क्वायर, तो अब उस कंडीशन में तो हमें तोड़ना पड़ेगा ही, हमें तो तोड़ना पड़ेगा ही, तो कैसे तोड़ेंगे तो उसके लिए जरा समझिए, ठीक है। तो पहली बात ये है कि जब भी ये x+1 का होल स्क्वायर होगा और यानी इस पर जो है fx पर q हो चाहे स्क्वायर हो जितना भी हो, तो यहाँ पर हम लिखते क्या है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पहले तो a/x+1 और आगे लिखेंगे bx+c, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ देखिए पहली बात ये है कि bx+c लिखेंगे तो यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, bx+c तो x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो नीचे तो x+1 का होल स्क्वायर ही होगा, तो यहाँ पर ax+1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा bx+c, ठीक है, 1 अपान x+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर हम इसको तोड़ें तो यहाँ पर ये 1 = a और x+1 और +bx+c। अब अगर हम देखें तो x = 1 रख दें, ठीक है, तो x = -1 रख दें, x = -1 अगर रख दें, इधर 1 = ये तो 0 हो गया, इधर b+c हो जाएगा समीकरण 1 x = 1 रखने पर, ठीक है। अब अगर गुणांकों की तुलना कर देते हैं, गुणांकों का तुलना भी कहा ना हमने कि इसमें जो है गुणांकों का तुलना, तो गुणांकों का तुलना करें, तो जब गुणांकों का तुलना करेंगे तो उस कंडीशन में इसका गुणा कर दें तो ax, ठीक है, और ये bx है, तो a+b यानी a+b = 0 और ये a हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा c, तो a+c = 1। अब देखिए यहाँ b+c = 1, यहाँ a+c = 1, a+b = 0, दिस इम्प्लाइज b = -a, तो जब b = -a या b = -a या a = -b, तो हम इसी में रख दें, ए के जगह पर -b रख दें तो -b+c = 1,
ठीक है, माइनस बी प्लस सी बराबर वन, तो सी बराबर वन प्लस बी। अब देखिए सी बराबर वन प्लस बी यहाँ पर रख दें सी के स्थान पर, तो इसमें अगर रखेंगे तो यहाँ वन बराबर हो जाएगा क्या है बी प्लस, तो सी के स्थान पर वन प्लस बी, तो ये वन वन कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज बी बराबर जीरो। तो बी बराबर जब जीरो आ गया, ठीक है बी का मान जीरो, अब बी का मान जीरो आ गया तो बी का मान जब जीरो आ गया तो ए भी जीरो हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा जीरो हो गया। जब ए जीरो हो गया, बी जीरो हो गया तो ए जीरो हो गया, जब ए जीरो हो गया तो सी बराबर वन हो गया, सी बराबर वन। इसका मतलब यहाँ पर जीरो, यहाँ सी की जगह पर वन, तो वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसी तरह अगर हम देखेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जब ऐसा होता कि यहाँ पर एफ एक्स कोई फलन होता, जैसे ये इस तरह का लिखा होता कि वन अपान, ठीक है, और यहाँ पर होता इस तरह का कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस थ्री, और यहाँ पर होता क्या एक्स प्लस वन ऐसे, और इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है हमें, इसका तो खंड होगा नहीं, ये तो इसी तरह रह जाएगा, तो इसका होगा तो ये ए अपान लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस वन, ध्यान समझिएगा। और उसके बाद यहाँ पर जब दो घात का है, यहाँ का घात का है दो घात का है, तो यहाँ पर बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे बी, यानी एक घात कम लिखेंगे ऊपर, तो बी एक्स प्लस सी अपान लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। अब देखिए यहाँ पर साफ करेंगे तो इसका गुणा इधर कर दें, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, और इसका गुणा इधर तो एक्स प्लस वन, और यहाँ पर है बी एक्स प्लस सी, और पूरे का बटा एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। अब देखिए ये वन अपान है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, और ये है एक्स प्लस वन, क्लियर। अब चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि ये और ये कट जाएगा तो वन बराबर हो जाएगा, अब इसमें ए एक्स स्क्वायर तो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से गुणा करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर तो प्लस बी एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो ए एक्स, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बी एक्स हो गया, ये सी एक्स हो गया, तो प्लस बी एक्स और प्लस सी एक्स, ठीक है। और चलिए ए का गुणा इसमें हो जाएगा तो थ्री ए, और इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सी प्लस सी। अब चलिए यहाँ पर क्या हो गया कि a प्लस बी तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है a b, तो यहाँ पर a b c, तो a प्लस बी प्लस सी तो x, और यहाँ पर 3a प्लस सी वन। अब देखिए यहाँ पर गुणांकों का तुलना कर दें तो a प्लस बी बराबर जीरो पहला समीकरण, ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दूसरा समीकरण, तीसरा है कि 3a प्लस सी बराबर वन। अब यहाँ से हम देखें तो 3a प्लस सी बराबर वन, यहाँ से a प्लस बी बराबर जीरो, तो a प्लस बी के जगह पर जीरो रखेंगे तो c का मान जीरो, समीकरण एक और दो से c बराबर जीरो आ गया, जब c जीरो आ गया तो यहाँ से a बराबर वन अपान थ्री हो गया। अच्छा जब यहाँ से वन अपान थ्री हो गया तो सी तो जीरो और ए वन अपान थ्री, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस वन अपान थ्री, ठीक है। और ये सभी मान अगर रख दें इसमें तो ये आ जाएगा ए के जगह पर वन अपान थ्री, तो वन अपान थ्री और ये एक्स प्लस वन, ठीक है, और बी के जगह पर माइनस है तो प्लस, बी के जगह पर माइनस वन अपान थ्री एक्स, और यहाँ पर सी तो जीरो हो जाएगा, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस जाएगा माइनस एक्स अपान नीचे जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, और ये वन अपान थ्री और एक्स प्लस वन। अब देखिए ये आ गया, जब ये आ गया तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, जब इसको आप टी मानेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, तो टू एक्स प्लस वन डी एक्स बराबर डी टी आएगा। अब देखिए एक्स ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग करते हैं कब, जब दिया जाता है भिन्न तो आंशिक भिन्न में बदला जाता है। तो जरा लिख लीजिए जल्दी से, इसे भी जल्दी से लिख लीजिए,
कैसे चेंज किया जा रहा है। चेंज करने का मेन तरीका हमें सीखना है। जब आंशिक भिन्न में आप बदल लिया करेंगे तो आसानी से इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। पहला काम है आंशिक भिन्न में बदलना, ठीक है। हो गया, अब देखना ये है कि कुछ इंटीग्रेशन हम लोग कुछ आंशिक भिन्नों में बदल लेते हैं फिर आगे निकला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान, हमें आंशिक भिन्न में पहले बदलना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसको आंशिक भिन्न में पहले बदलेंगे फिर इंटीग्रेशन। तो पहले आंशिक भिन्न में ही हम लोगों को बदलना है, ठीक है। तो चलिए आंशिक भिन्न में बदलना सीखे। देखिए सबसे पहली बात हमको ये करना होता है कि हमको आंशिक भिन्नों में बदलते समय ये देखना होता है कि जो अंश होता है उसका घात कम चाहिए और हर का घात अधिक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है कि अंश और हर दोनों का घात बराबर है, तो ऐसी दशा में हम लोग भाग देते हैं। भाग देकर हम कम कर लेते हैं, तो भाग देंगे। चलिए तो भाग देने का तरीका तो आप लोग जानते होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन है और भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स से। तो चलिए भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, क्योंकि एक से गुणा करेंगे इसमें तो इतना आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, अब घटाया जाता है तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, क्यों, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा क्या फाइव एक्स, और ये माइनस सिक्स है प्लस वन तो माइनस फाइव हो जाएगा। तो फाइव एक्स माइनस फाइव ये शेषफल बच गया। इसका मतलब ये है कि इसको जब आपने भाग दिया तो एक आ गया और प्लस शेषफल को ऊपर लिखा जाता है फाइव एक्स माइनस फाइव, और नीचे लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। अब जब इतना आ गया भाग देने के बाद शेषफल जो बचा उसको हमने ऊपर लिखा, अब हम क्या करेंगे कि इसको देखिए, अब ये यहाँ एक घात आया यहाँ दो घात, अब इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। तो आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए फाइव एक्स माइनस फाइव सीखिए कैसे आपको करना है। 5x माइनस फाइव हो गया और यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं, इसका 6 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, वन प्लस फाइव कामन ले लेंगे x माइनस वन, ये हो जाएगा क्या x कामन ले लेंगे तो x माइनस थ्री, और माइनस टू कामन ले लेंगे तो x माइनस थ्री, अब यहाँ पर वन प्लस और ये फाइव एक्स माइनस वन, और नीचे हो जाएगा x माइनस थ्री और x माइनस टू, ठीक है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस और ये तो 5x माइनस 5 ही रखें अपान x माइनस 3, ठीक है, और इंटू x माइनस 2, ठीक। अब चूंकि इसी को केवल हमें चेंज करना है, तो अब देखिए यहाँ पर 5x माइनस 5 अपान x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसी a अपान x माइनस 3 और प्लस b अपान x माइनस 2। अब इसमें गुणा कर दें तो x माइनस 2 इंटू a प्लस b इंटू x माइनस 3 अपान x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये इधर है 5x माइनस 5 अपान x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 5x माइनस 5 बराबर इधर हो गया क्या x माइनस 2 a प्लस b x माइनस 3। तो हमने बताया था आप सभी लोगों को कि x बराबर जब यहाँ 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो इस तरह a और b का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसमें अब हम x बराबर पहले 0 लाने के लिए 2 रख दें एक बार, और एक बार 3 रख दें, तो दोनों तरफ रखेंगे बराबर के दोनों ही तरफ x की वैल्यू रखा जाता है, ठीक है। तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पच्चे 10, 10 माइनस 5, 5 गुणे 2 माइनस 5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 a प्लस यहाँ पे हो जाएगा b 2 माइनस 3, तो ये तो हो गया 10 में से 5 जाएगा 5, ये तो हो गया 0 माइनस b, तो b बराबर माइनस 5, ठीक है। अब x बराबर 3 रखने पर, अब x बराबर 3 रखने पर तो 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 माइनस 5 बराबर, अब देखिए यहाँ पर 5 3 माइनस 2 3 माइनस 2 इंटू ए प्लस 3 माइनस 3, ये तो 0 हो गया b, ये तो 0 हो गया, इधर क्या आ गया a आ गया, इधर 15 में से 5 जाएगा 10, तो a बराबर हो गया क्या 10। इसलिए ठीक है जो यहाँ पर आपने लिखा है a और b, तो a और b का मान हम रख सकते हैं 5x माइनस 5 अपान नीचे है x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 बराबर, हम इसी में a का मान रख दें तो 10 बटा x माइनस 3 और प्लस 5 बटा x माइनस 2, ठीक है x माइनस 2। यहाँ पर अब आ गया b का मान जो है x माइनस 2, b बराबर यहाँ b का मान क्या आया माइनस 5 आया है ना, b बराबर माइनस 5, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है b का मान माइनस, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा ये। तो इस तरह ये आंशिक भिन्न में बदल गया, इसलिए अब जो यहाँ बदला गया था तो आंशिक भिन्न में तो ये था ना, इसका मतलब आप ये लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर, तो 1 प्लस 1 प्लस और इसके जगह पर ये लिखेंगे 10 बटा x माइनस 3 और माइनस 5 बटा x माइनस 2। अब देखिए अगर इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन अलग ज्ञात करेंगे, इसका अलग ज्ञात करेंगे, इसका अलग ज्ञात करेंगे, आई बात समझ में, तो ऐसे ज्ञात किया जाता है। फिलहाल अभी आपको केवल आंशिक भिन्न ज्ञात करना है, तो लिख लीजिए जरा, सॉल्व कर लीजिए इसे। अभी केवल आंशिक भिन्न आप निकालिए, सिर्फ आंशिक भिन्न।
हो गया। चलिए अब देखिए, कुछ और 3x माइनस टू अपान, ठीक है, x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री, इसका इसको आंशिक भिन्न में बदलना है, ठीक है। जब आंशिक भिन्न में बदलना है तो हम इसको आंशिक भिन्न में कैसे बदलेंगे, पहले इसे समझ लीजिए। यहाँ देखिए x प्लस वन, हमने अभी बताया ना कि जब स्क्वायर होगा तो क्या करना होगा कि a अपान लिखेंगे x प्लस वन, और फिर b अपान लिखेंगे x प्लस वन का होल स्क्वायर, और प्लस c अपान लिखेंगे x प्लस थ्री। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पर q होता, यहाँ पर तीन घात होता तो एक और लिखते, c अपान x प्लस वन का होल q, और फिर प्लस d अपान x प्लस थ्री लिखते, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पर अगर सपोज दैट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो ये ए एक्स प्लस सी लिखते और यहाँ पर बी एक्स प्लस डी लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर लिखते सी एक्स प्लस डी, और फिर आगे यहाँ पर डी, तो यहाँ पर ई हो जाता। कब? जब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी इसमें एक्स स्क्वायर का पद होता तब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक घातीय पद है, तो एक घातीय पद है तो यहाँ पर a लिखेंगे, यहाँ पर b लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर ये a और यहाँ आ जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। इसके x प्लस वन का होल स्क्वायर नहीं, केवल x प्लस वन, क्योंकि इससे कट जाएगा, और प्लस b, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस थ्री, और प्लस यहाँ पर c, तो c और x प्लस थ्री, तो ये बचेगा क्या, x प्लस वन का होल स्क्वायर, और पूरे का बटा x प्लस वन का होल स्क्वायर और x प्लस थ्री। अब समझिए, जब इससे हमने भाग दिया तो एक कटा, तो ये दोनों बच गया, तो ये दोनों यहाँ आ गया। जब इससे भाग गया तो ये कट गया x प्लस थ्री, तो x प्लस थ्री आया। जब इससे भाग दिया x प्लस थ्री कटा, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 3x माइनस टू अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू x प्लस थ्री। देखिए ये और ये कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 3x माइनस टू बराबर a x प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स प्लस थ्री, ठीक है, और c तो x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए x बराबर माइनस वन रखने पर, जब माइनस वन रख देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस थ्री बराबर, ठीक है, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बचा क्या, केवल b, तो जीरो प्लस बी माइनस वन प्लस थ्री, और प्लस ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर दो हो गया, टू बी बराबर माइनस सिक्स, तो बी बराबर माइनस थ्री, ये तो आ गया बी का मान। अच्छा दूसरा ये है कि एक्स बराबर माइनस थ्री रखने पर, जब एक्स बराबर माइनस थ्री रख देते हैं तो उस कंडीशन में देखा जाए, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, केवल सी बचेगा, तो यहाँ पर माइनस थ्री रखें, तो तीन गुड़े माइनस थ्री बराबर, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और सी इंटू माइनस थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन तीन छह, तीन तरी के नौ, माइनस नौ माइनस तीन माइनस बारह हो गया, और ये माइनस तीन प्लस एक माइनस दो का स्क्वायर फोर, तो फोर सी, तो सी बराबर चार तीन बारह माइनस तीन, सी बराबर माइनस तीन आ गया, बी बराबर भी माइनस तीन आ गया, ठीक है। अभी ए का पता करना है कि ए कितना होगा, तो चलिए ए कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए जरा ध्यान समझिए। यहाँ पर जब ये गुणा करेंगे एक्स का, तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका गुणा करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर, गुणांकों का तुलना करेंगे तो देखिए ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसमें तो एक्स स्क्वायर का पद आएगा नहीं, इसमें आएगा तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा, तो सी एक्स स्क्वायर यानी ए प्लस सी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर नहीं है, तो ए प्लस सी बराबर जीरो, गुणांकों का तुलना करने पर, गुणांकों का तुलना करने पर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तुलना किया गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक
का तुलना करने पर, ठीक है। तो a प्लस सी बराबर जीरो, तो a बराबर हो जाएगा माइनस सी, तो a बराबर माइनस सी, सी का मान माइनस तीन, तो इधर हो जाएगा तीन, a बराबर तीन। जब a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, तीनों आ गया। जब तीनों आ गया, तीनों की वैल्यू हम रख दें तो आंशिक भिन्न हम बदल लेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3x माइनस 2 अपन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू x प्लस 3 बराबर जो हमने क्या लिखा a, तो a के स्थान पर क्या आया है 3, तो 3 अपन x प्लस 1 और प्लस b, b के स्थान पर क्या आया माइनस 3, तो b माइनस 3 अपन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और c, तो c के स्थान पर क्या आया है माइनस 3, तो माइनस 3 अपन x प्लस 3। इसका मतलब अगर हम इसको लिखें तो 3 अपन x प्लस 1 माइनस 3 अपन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 3 अपन x प्लस 3। तीन कामन भी ले सकते हैं, तीन कामन अगर ले लें तो 1 अपन x प्लस 1 माइनस 1 अपन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपन x प्लस 3। बस यही हो गया क्या आंशिक भिन्न, तो बदल लीजिए जल्दी से जरा। आज हमने केवल आंशिक भिन्न कैसे बदला जाता है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। जब ये आंशिक भिन्न हम बदल लिए तो अब इसका इंटीग्रेशन हम ज्ञात कर लेंगे आसानी से। हो गया, हो गया। चलिए एक और कर लेते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपान पूरे का बटा, ठीक है, x प्लस 2 और इनटू x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लोगों को चेंज करना है किसमें, आंशिक भिन्न में। तो इसे आंशिक भिन्न में बदलना है, तो कैसे आंशिक भिन्न में बदलेंगे, तो आंशिक भिन्नों का तरीका हमने बताया है अभी अभी। पहली बात यह है कि इसका तो कोई फैक्टर कर नहीं सकते हैं, तो नीचे फैक्टर दिया, ये ऊपर वाले का फैक्टर हो नहीं सकता है, तो हम अलग अलग सीधे कर दें, a अपान ये लिख दें a अपान x प्लस 2 और प्लस, अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का पद है तो यहाँ पर हम बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, जब x स्क्वायर का पद होगा तब, ठीक है, तो बी एक्स प्लस सी और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम इसको साफ करें तो a एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये बी एक्स प्लस सी और ये आ जाएगा इधर, तो एक्स प्लस 2 और पूरे का बटा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। अब देखिए अब ये और ये तो कट जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर ए, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर हो जाएगा प्लस बी बी एक्स प्लस सी, और इधर एक्स प्लस टू। अब देखिए इधर हम गुणा करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से प्लस है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे इसमें तो टू बी एक्स और सी एक्स, ये जाएगा टू बी प्लस सी कामा एक्स, ठीक है। अब यहाँ से प्लस ए और यहाँ से हो जाएगा क्या प्लस टू सी। तो अब गुणांकों का तुलना कर दीजिए, दोनों तरफ के गुणांकों का तुलना करने पर, ठीक है। तो चलिए हम तुलना कर देते हैं, तो जब हम तुलना करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। एक्स स्क्वायर यानी ए प्लस बी बराबर वन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक वन है तो वन, ये एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक भी वन, तो ये टू बी प्लस सी बराबर वन, और ये ए प्लस टू सी, ए प्लस टू सी बराबर यहाँ भी वन है तो वन, तीन समीकरण मिल गया। अब तीनों के द्वारा ए बी सी का मान निकालना है, इन तीनों के द्वारा सॉल्व करके ए बी सी का मान हम निकाल सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a प्लस बी, ठीक है, अब a प्लस बी का मान दिया है कितना, तो यहाँ पर a के जगह पर 1 माइनस, समीकरण तीन में समीकरण एक से मान रख दें, ठीक है। तो b के स्थान पर a के स्थान पर रख देते हैं, तो a के स्थान पर रख दें क्या 1 माइनस बी प्लस टू सी बराबर वन, वन वन कट जाएगा तो माइनस बी प्लस टू सी बराबर जीरो, ठीक है। अब माइनस बी प्लस टू सी बराबर जीरो हो गया, तो बी बराबर हो गया क्या टू सी, तो बी बराबर टू सी, बी के जगह पर हम टू सी रख दें, इसलिए इसको समीकरण चार। अब देखिए समीकरण यह मान समीकरण दो में रखने पर, यह मान दो में रखने पर, ठीक है, तो टू बी है और बी के जगह पर, बी के जगह पर टू बी प्लस सी बराबर वन, तो टू बी के जगह पर टू सी प्लस सी बराबर वन, तो फोर सी प्लस वन फाइव सी बराबर वन, तो सी बराबर एक बटा पाँच आ गया, सी का मान एक बटा पाँच आ गया, तो बी बराबर हो गया कितना दो बटा पाँच, बी बराबर दो बटा पाँच, सी बराबर एक बटा पाँच, तो ए बराबर कितना हुआ, अतः ए बराबर हो जाएगा कितना, तो एक माइनस बी, तो वन माइनस दो बटा पाँच, पाँच में से दो जाएगा तीन बटा पाँच, सब आ गया, इसलिए, ठीक है। अब हम सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं जो आंशिक भिन्न में बदला गया था क्या, कि एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू और इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर ए, ए के स्थान पर क्या आया है तीन बटा पाँच, तो तीन बटा पाँच और एक्स प्लस टू, ठीक है। बी के स्थान पर क्या आया दो बटा पाँच, तो यहाँ प्लस, यहाँ दो बटा पाँच एक्स, दो बटा पाँच एक्स, और सी के स्थान पर क्या आया एक बटा पाँच, ठीक है, एक बटा पाँच प्लस एक बटा पाँच और पूरे का बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो जाएगा थ्री बाई फाइव एक्स प्लस टू, ये टू एक्स प्लस वन अपान फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बीच में क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया आंशिक भिन्न, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे, अब तो कैसे आंशिक भिन्न में बदला जा रहा है, आंशिक भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, अब तो कुछ तो समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। तो इसी रूप से हम आंशिक भिन्न में बदलते हैं, और जब आंशिक भिन्न में बदल जाता है तो उसके बाद हम इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अगले दिन हम लेकर आएंगे आप लोगों को आंशिक भिन्नों से संबंधित समाकलन, जो आपके प्रश्नावली दिया गया है 7.5, तो 7.5 के न्यूमेरिकलों का सोल्यूशन अगले दिन हम लोग करेंगे, ठीक, इसी समय, क्लियर है।
तो अगले दिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।